इधर पापा और टकली भैया दोनों बाप बेटे मिलकर क्या कर रहे हैं? किसी का कच्चा, किसी का पैंट। हमारे प्यारे से सुंदर से नए घर में जो हो रहा है। यस भैया, कवि के सारे दोस्त भी आ गए हैं। उसका इतने भी सारे गुब्बारे बलून से अच्छे से फुलाकर रेडी कर दिए। लंगोटिया है अच्छा, तो मम्मी और बाकी सब भी रेडी है। हमारा केक भी रेडी है। ये हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे। हाथ से कम लगा के क्या ना भी। हैप्पी बर्थडे। इधर पापा और टकली भैया दोनों बाप बेटे मिलकर क्या कर रहे हैं भाई? डेकोरेट कर रहे हैं। अच्छा, तो इधर देखो दोनों बाप बेटे ने मिलकर डेकोरेशन सजावट की भी तैयारियां शुरू कर दी है। मैं भी बुला रहा हूँ दीदी। अच्छा, हमारे टकले भैया बेचारे बर्थडे बॉय को भी काम करना पड़ रहा है अपने बर्थडे पर। लो पापा, मैं सुना दिया। क्या करूँ, तुम्हारे लिए काम तो दीदी होगी, सारे काम मुझे करने होंगे ना। किसी का पैंट तो किसी का ये वो, सारे कपड़े यहीं पर मम्मी ने सूखने डाल दिए हैं सामने ही। तभी सारे लोग भी आएंगे ना, इसलिए अभी जितने भी सारे कपड़े हैं आरती ने निकाल लिए। और सब कहाँ रखोगे भाई? रूम में। हाँ, रूम में जाकर अच्छे से रख देना, वरना मम्मी हमारी मार मार के धुलाई कर देगी। और यार आप लोगों को बताया, हमारे टकले भैया का बर्थडे तो और भी ज्यादा स्पेशल हो गया। पूछे तो क्यों? क्योंकि यार उसका ये जो बर्थडे है हमारे प्यारे से सुंदर से नए घर में जो हो रहा है। यस भैया, फर्स्ट टाइम हम टकले भैया का बर्थडे अपने नए घर में सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या ही होगी ना हमारे लिए और आप सब के लिए। एंड हाँ यार, रवि का जो बर्थडे है ना, वो हम अपने प्यारे से सामने वाला जो ये हमारा गली है, गली वाला रूम है, यही सेलिब्रेट करेंगे। तो सारे बलून्स वगैरह भी फूल चुके हैं। हसीबा खातून, और तुम्हारा? कशिश। और तू? असरत। असरत कितना प्यारा नाम है, देखो कितनी क्यूट है असरत। वाह भाई, असरत मेकअप में क्या आई है, बहुत प्यारी लग रही है। सो इधर देखो भैया, इधर मेरी प्यारी सी मम्मी और साथ में हमारी चटोरी धन्नो भाई यानी आरती, दोनों माँ बेटी मिलकर लग चुके हैं आज के बर्थडे स्पेशल डिनर की तैयारियों में। जिसमें क्या बन रहा है चटोरी? सबकी फेवरेट गरबा है पूरियां। और पूरियों के साथ क्या बनेगी, खीर या फिर सब्जी? खीर बनेगा। हाँ। तो इधर हमारी चटोरी धन्नो भाई आरती फटाफट बेलते जा रही है, और इधर दूसरी तरफ मम्मी देखो मस्त गर्मा गर्म यमी यमी पूरियां तलते जा रही है। आज तो भैया मजा ही आ जाएगा डिनर में, खीर पूरी जो खाने को मिलेगी। कोई बात नहीं बाबू, छोटा फूला तो क्या हुआ, तुमने फुलाया होगा ना इसलिए तो। नहीं पापा नहीं। पापा क्या लेकर आए भाई हमारे लिए? फ्रूटी। फ्रूटी लेकर आए। देखो यार अभी इतनी ज्यादा गर्मी है ना, तो हमने एक छोटी सी प्यारी सी फ्रूटी भी मंगा ली। सब बारी बारी से पी लेंगे थोड़ा और ठंडी हो जाएंगे। सबसे पहले कौन पिएगा? मैं। अच्छा ठीक है, चलो बर्थडे बॉय को ही पिला देते हैं। बस भाई बस, मैंने अपने लिए मंगाया है। बस भाई चकलू सारा छट कर जाएगा क्या?
जी कर जान आई ना टकली हुई है, वरना इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना कि बैठे बैठे ही ऑमलेट फ्राई बन जाएगा। दो भाई ये देखो, हाँ मैंने अपने लिए मंगवाई और सारा यही मोटा फैस चट कर रहा है। मेरे को पीने ही नहीं देता है, टकलू कहीं का। क्या करेगा भाई, खत्म हो गई भाई, अब तो जान छोड़ दो उस फ्रूटी की। बड़े भाई तो खीर खाता नहीं है। कोई नहीं, हम चटोरे हैदर चट कर जाएंगे। अच्छा भाई चटोरी, तो रवि को जब खीर नहीं पसंद है तो जो पसंद था वो बनाती ना। टकलू भैया की फेवरेट पास्ता भी लाया था, लेकिन पास्ता नहीं बनेगा क्योंकि सब्जी है। अच्छा दिन की आलू गंगरा की सब्जी बची हुई है ना। हाँ। तो उसे ही गर्मा गर्म पूड़ियों के साथ सब मिलकर खा लेंगे। लेकिन यार बर्थडे में कुछ मीठा बनाना चाहिए ना, इसलिए मम्मा खीर बना रही है। इधर तो भैया पापा और टकली भैया दोनों बाप बेटे ने मिलकर जितने भी सारे गुब्बारे बलून से अच्छे से फुलाकर रेडी कर दिए, और जितने भी सारे बलून है ना अभी पापा फटाफट सारे बलून को ऊपर में अच्छे से लगा देंगे और अच्छे से डेकोरेट कर देंगे। और ये देखो भैया, सबसे खास इंसान से मिलाना था आप लोगों को, भूल ही गई, ये है क्यूट सा मासूम। हमारे टकले भैया के कौन है बताओ तो? कौन है तू? कर मेरे को, मेरे को जानता नहीं है ये। लंगोटिया है यार मेरा। अच्छा लंगोटिया यार है, बेस्ट फ्रेंड है मासूम तुम टकले भैया का। हाँ तो हैप्पी बर्थडे बोलो, गला मिलके बोलो टकले भैया को हैप्पी बर्थडे रवि। हैप्पी बर्थडे रवि। गला मिलके बोलो तो ना लंगोटिया यार, कैसे गले मिलते हैं। और ये क्या, हमारे बर्थडे बॉय रेडी भी हो गए? कौन रेडी किया? चटोरी से मंगवाई। अच्छा आरती दीदी फटाफट रेडी भी कर दी, देखो तो बर्थडे बॉय को कितना प्यारा लग रहा है। हैप्पी बर्थडे रवि। हाँ चलो असरा तुम ही बोलो। हैप्पी बर्थडे रवि। रवि भैया बोलो। रवि भैया। हाँ और मासूम। हैप्पी बर्थडे रवि। थैंक यू बोल दो। थैंक यू। हाँ चलो आप लोग बैठो आराम से, ठीक है? अभी थोड़ी देर में हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे सबके साथ मिलकर। नहीं पसंद है सेवई? पसंद खीर पसंद नहीं है। और सेवई खाते है कि नहीं? सेवई खाता है सूखा वाला, ओ दूध वाला ना, ना पानी वाला खाता है गधा। क्या करे यार टकली भैया को ना दूध दही इन सभी चीजों से बहुत ही ज्यादा नफरत है, मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर खाता तो मोटा भैंसा बन जाता, लेकिन खाता ही नहीं है ये सारी प्रोटीन वाली चीजें, इसलिए तो बिल्कुल हमारी तरह कंकाल जैसा कचरा है। और यार इतनी तगड़ी वाली गर्मी में भी देखो मम्मी और आरती दोनों मिलकर कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ना टकली भैया के लिए। और वाह भैया ये देखो गर्मा गर्म पूड़ियां देखकर ना मेरे मन में तो अभी से ही लड्डू फूटने लगे, ऐसा मन कर रहा है ना कि सारी पूड़ियां चख कर जाऊं। लेकिन पहले बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे फिर पूजा करेंगे। इधर देखो भैया पापा ने ना कुछ इस टाइप से जितने भी सारे बलून फुलाए थे उन्हें धागे की हेल्प से एक एक करके कुछ इस टाइप से टांग दिया, एंड कितने प्यारे लग रहे हैं ना। इधर पापा फटाफट टांगते जा रहे हैं और नैना भी पापा की हेल्प कर रही है, जितने भी सारे बलून है एक एक करके दे रही है। हेल्प करिए कि नहीं नैना? हाँ। ठीक है वो चलेगा, बैल से किसी को नहीं मारते। क्यों नहीं खाएगा माल बटे हो? बैल छुपा लो टकली भैया वरना तुम्हारी
बेटा समझो ना। अरे नहीं बाबू, भैया है, बैल से नहीं मारते किसी को। चलो दो, बैल से मारने का आइडिया ही कैंसिल। चलो हटो। बहुत सुंदर लग रहा है। तो इधर मम्मी और बाकी सब भी रेडी है, हमारा केक भी रेडी है, बर्थडे बॉय भी रेडी है। तो चलो मिलकर साथ मिलकर सभी के साथ सेलिब्रेट करते हैं, बहुत मजा आएगा। चलो अब पापा की बारी, पापा की दीदी, पापा की दीदी। आज भले ही कमर टूट जाए लेकिन सबका आशीर्वाद लेगा, समझा? बोल देती हूँ, काम चोरी नहीं करेगा आशीर्वाद लेने में। काम में तो काम चोरी करता ही है, आशीर्वाद लेने में नहीं करेगा। चलो खिलाओ, बाल में लगा दी। अरे बर्थडे बॉय के, हाँ बस बस हो गया हो गया, खिला दो सबको, खिला दो। चलो दीदी के भी खिला दे। पहले फूट टूटेगा फिर बाद में। आप क्या है? नहीं अब ठीक से लगी नहीं। चॉकलेट को नहीं लगा, पहले बोल देता हूँ। मम्मी खिला दे, मम्मी खिला दे।
चलो अब केक लेके चलिए। चलो भैया गिफ्ट की बारी, तो कौन क्या क्या लाया है भैया के लिए? अब सारे गिफ्ट मेरे हो जाएंगे, मैं रखूंगा। मैं रखूंगा, मैं। अच्छा तू मेरा गिफ्ट आए तो जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। टकलू भैया अभी बिल्कुल भी नौटंकी मत करना, ठीक है? अभी सभी को नाश्ता दिया जा रहा है ना, ये देखो पापा ने जितने भी सारे लोग आए हैं सभी बच्चों के लिए नाश्ता निकाल दिया है, बर्थडे वाला नाश्ता। अरे कथा पेटू राम पूछते रहता है। सभी को नाश्ता बांटो। अरे वाह, सबसे पहले देखो नैतिक को दिया। रख रख दो तो। अच्छा दो। दे दो मासूम को, दे दो। रवि अपने हाथ से देगा, दे दो नाना। तुम लोग फटाफट ला दो रवि के लिए, जाओ। हाँ लो भैया, नाश्ता लेने में शर्माना नहीं। हाँ सभी को मिलना चाहिए, कोई बाकी नहीं रहना चाहिए। देख लो नेहा को नहीं दिखाई दे, नेहा कब आई? कब आई? को किसी को पता भी नहीं चला कभी। सबसे पहले आई, हमसे पहले आई। नहीं रे, काम गई जो उठलाने बोल रहा हूँ। जाओ बढ़िया से ले जाना। हाँ अरे थैंक यू बोलो रवि को। थैंक यू रवि। हाँ बाय बाय कर दो सबको। अरे भाई साहब देखो तो, लाने से पहले कितना अच्छा था ना, सुंदर सा केक था, और अभी सभी को केक बांट कर इसका क्या हाल कर दिया है। ऐसा लग रहा है ना कि दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा चूहे ने कुतर लिया हो। केक का हाल तो आप लोगों ने देख ही लिया, और इधर देखो ढेर सारे प्लेटों में एक बार फिर किसके लिए नाश्ता निकाला जा रहा है? हम सब के लिए। मेरी प्यारी सी बहन आरती यानी हमारी चटोरी धन्यवाई ने फटाफट सभी के लिए, यानी हम लोग घर में जितने भी सारे लोग हैं, कितने लोग हैं हम लोग घर में? पाँच लोग। क्यों छह लोग ना? टकलू भैया भुक्का तो अपना पहले ही नाश्ता ले लिया। अच्छा भाई, टकलू भैया दूसरे के बर्थडे में पीछे नहीं रहता है, तो अपने बर्थडे में छूटने से कैसे पीछे रहेगा ना आरती? हाँ। अरे भाई साहब हमारे बर्थडे बॉय के चांद से सुंदर से मुगड़ी को तो देखो क्या हाल कर लिया है, बिल्कुल बंदर ही बन गया है। तुम्हें तो मिलते केक में आती। अच्छा भैया कैसा है टकलू भैया नाश्ता बताओ तो? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अरे टकलू भैया फ्रेंड लोग को केक खिलाना तो भूल ही गए, चलो अपने हाथों से खिला दो। नहीं थोड़ा खिला दो। खिला दो, खिला दो बाबू जल्दी जल्दी। हाँ खा लो। मैं जानती थी यही करेगा ये टकलू। एक बार खा दीदी, मैं तो हजार बार खिला दूंगा। खिला दो बाबू। हैप्पी बर्थडे। बेवजह इन जानवरों को भी कुछ खिला दिया करो, ये कभी मांगते नहीं है लेकिन भूख इन्हें भी लगती है। खोले 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 बुक्कर कहीं का कभी खाया नहीं है बाप जन्म में ना। बड़ी टेस्टी। मजाक नहीं करते बाबू, एक बार दिल से फ्रेंड्स लोग को खिला दो। चलो ये लो फटाफट बर्थडे बॉय के हाथ से जल्दी जल्दी केक खा लो, वरना आप लोग जानते ही हो ना इस बुक्कर के हाथ बुक्कर के हाथों से कुछ, वरना आप लोग जानते ही हो ना ये बुक्कर आप लोगों के खिलाने के चक्कर में खुद ही चूस लेगा, देखा ना। इधर यार हम सब के लिए भी नाश्ता सज चुका है, और ये स्पेशल नाश्ता की प्लेट आप लोगों के लिए है। काश भैया फोन से ही मैं आप लोगों को केक और सारा नाश्ता वगैरह खिला सकती, पर कोई नहीं दिल से खिलाती हूँ यार। आप लोग भी यार फटाफट टकलू भैया का बर्थडे केक और बर्थडे स्पेशल यानी यम्मी नाश्ता जल्दी जल्दी से चेक कर जाओ। यार सच्ची बताओ ना, मेरे मुँह में तो अभी से ही पानी आ रहा है देख कर ही, कितना ज्यादा यम्मी लग रहा है ना आज तो यार, मजा ही आ जाएगा।
मुझे तो नाश्ता मिल गया यार, लेकिन बेचारी मेरी प्यारी सी चटोरी धनो भाई जो सुबह से लगी हुई है बर्थडे की तैयारियों में, बेचारी को कुछ खाने को ही नहीं मिला। ये लो मेरा नाश्ता, चेक कर जाओ। देखो पागल समझी हो क्या, ये देखो पहले ही चेक कर लिया। अरे भाई साहब, जिसे मैं मासूम समझती हूँ वो मासूम है नहीं। देखो उससे पहले ही अपना सारा नाश्ता चट करके बैठी है। आती ठीक है, समोसा ले लो, ठीक है ना? नहीं नहीं, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, तुम खा लो। तिलक तो सुबह खा लेंगे। सुबह खा लेंगे ना, ठीक है। ये प्यारा सा यमी यमी नाश्ता का प्लेट तो मेरा है। अपने बर्थडे में नहीं टूटूंगा। अच्छा भैया, वंस अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टकली भैया। कैसा लगा तुमको बर्थडे सेलिब्रेट करके बता? बहुत ही मजा आया दीदी, थैंक यू। लाना तुमने की नाश्ता है, ये लो खा लो। खा लो बाबू। मैं खा ली। तुम भी? हाँ। अरे भाई साहब, मेरे घर में ना सब एक नंबर के चटोरे भुक्कर है, कोई किसी का नहीं सोचते हैं, सब अपना अपना सोचते हैं। जैसे ही खाने को मिलता है फटाक से जूस लेते हैं ना। कैसा लगा भाई टकली भैया के बर्थडे में? बहुत ही ज्यादा मजा आया। मजा आया ना? और स्पेशली नाश्ता कैसा लगा खाने में? बहुत ही ज्यादा यम्मी, टेस्टी टेस्टी, पेट पूजा करके तो और भी मजा आया। वो बात नहीं है दीदी, पेट में चूहे कूद रहे थे इसलिए खा ली। खा ली? अच्छा केक खाया कि नहीं? एक बार मेरा वाला केक टेस्ट करके देख लो। खाए? थोड़ा सा खा लो बाबू। क्योंकि नैना ने भी बहुत मेहनत की है। कैसा है केक? बहुत टेस्टी। टेस्टी है ना? सो भैया, कुछ इसी तरीके से अपने प्यारे से टकली भैया यानी रवि का बर्थडे सेलिब्रेट किया। आई होप भैया कि आप लोगों को भी हमारे साथ मजा आया होगा। एंड दिल से थैंक यू सो मच यार, हमारे प्यारे से टकली भैया रवि के बर्थडे को और भी ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए। आप सब ने मिलकर इतने प्यारे प्यारे बर्थडे विशेष, बर्थडे ब्लेसिंग में इतनी सारी विशेष भेजी ना टकली भैया को, क्या ही बताओ यार। दिल से थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे लिए अपनों से बढ़कर हो। बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और वंस अगेन थैंक यू सो मच टकली भैया के बर्थडे को और भी ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए। थैंक यू बोल दो रवि सभी फ्रेंड्स को। थैंक यू। हमारे टकली भैया को तो खाने से ही फुर्सत नहीं है। मेरा वाला नाश्ता का प्लेट कौन सा है भाई? ये वाला ना। देखो टकली, मेरे नाश्ते के प्लेट में क्या क्या मिला है मेरे को। हटाओ, मैं तो सब चेक कर जाऊंगा। रोने लगूंगी, मैं एक स्लाइस ले लूंगी। क्यों लिया मेरा केक का स्लाइस? जल्दी वापस करो। स्लाइस ले लूंगा। नहीं नहीं, सारा तुम्हें टूट लेगा तो क्या? मैं यहाँ भजन कीर्तन करने आई हूँ।